वेलकम माय फ्रेंड्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज स्क्रीन क्यों नहीं है, बिकॉज आज कोई क्लास भी नहीं है। टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आज मैं करने वाला हूं अपने मन की बात। काफी टाइम से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने एसएससी सीजीएल क्लियर तो किया, बट आपने जॉब क्यों छोड़ दी, व्हाई यू लेफ्ट एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इतनी प्रेस्टीजियस जॉब क्यों छोड़ी। तो वही रिवील मैं आज करने वाला हूं, ताकि सभी लोगों की ये जो क्वेश्चन है, सभी लोगों का जो डाउट है, वो आज क्लियर हो जाएगा। तो आई वॉज सिलेक्टेड एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर विद सीएजी आफ्टर क्लियरिंग एसएससी सीजीएल 2017 एग्जाम। तो पहले तो जॉब ही बड़ी मुश्किल से मिली थी, आपको पता ही होगा 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसका प्रोसेस कितना डिले हो गया ड्यू टू सम इंसिडेंट। तो कोर्ट केस भी चला और 2020 में जाके 3 साल बाद हमारी पोस्टिंग आई। तो आई वॉज पोस्टेड इन हैदराबाद और मैंने ज्वाइन करा जुलाई 2020 में। बिफोर दैट आई वॉज वर्किंग एज अ टीचर और एज अ मेंटर विद अनुप सर ओनली। तो पहले मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस था। तो जब मैं हैदराबाद गया कुछ महीने काम करने के बाद, आफ्टर वर्किंग फॉर सम मंथ्स, मुझे पता चल गया कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस जॉब। मुझे वहां पे इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था और यू कैन से आई वॉज नॉट गेटिंग अ सेंस ऑफ पर्पस या फिर सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे नहीं मिल रहा था। नाउ आप लोग काफी यू नो यू वुड बी वेरी सरप्राइज्ड बाय लिसनिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट, बिकॉज बहुत से लोगों का सपना होता है दैट दे वर्क विद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का एक हमारा जो ड्रीम होता है, जो हमें लगता है कि हम एक सेंस ऑफ पर्पस अचीव करेंगे, बट वो मेरे लिए केस अलग था, बिकॉज सबके लिए एक ही जॉब सेटिस्फाइंग नहीं हो सकती। सो माय इंटरेस्ट वाज लाइंग समवेयर एल्स, जो मुझे आइडेंटिफाई करना था। तो धीरे धीरे मैं वो चीज आइडेंटिफाई कर पा रहा था कि मेरा इंटरेस्ट लाए कहां करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं पहले अनुसर के साथ काम कर रहा था एज ए टीचर। सो वहां से मुझे कंपैरिजन मिल रहा था कि यस आई वाज एंजॉयिंग मोर बीइंग अ टीचर देन एज एन ऑडिटर हियर। तो वो एक कंपैरिजन कहीं ना कहीं वाज गिविंग मी एन इंडिकेशन दैट माय पैशन लाइज इन टीचिंग। देन सेकेंडली, हमारी एक ट्रेनिंग होती है इन सीएजी, एसएएस ट्रेनिंग। तो उस ट्रेनिंग में जो टीचर्स हमको पढ़ा रहे थे, तो वहां से भी मुझे एक इंडिकेशन मिला दैट आई कैन कंट्रीब्यूट मोर एज अ टीचर रादर देन यू नो इन एनी अदर प्रोफेशन और इन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा आई यूज टू टीच माई कजन्स और माई कलीग्स फॉर एसएएस। तो दे ऑल्सो टोल्ड मी अ नंबर ऑफ टाइम्स कि यू टीच वेरी वेल, आप जो इजिली समझाते हो एग्जाम्पल्स के साथ, उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो काफी सारी चीजें एक इंडिकेशन दे रही थी कि आई कुड परस्यू टीचिंग। तो फिर वहां एक डिलेमा क्रिएट हो गया, बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना इट इज नॉट एन इजी टास्क। तो 6 महीने बाद ही मुझे पता लग गया था कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस जॉब, बट अगेन इट टुक मी 1.5 years टू एक्चुअली क्विट द जॉब एंड ज्वाइन अगेन एज अ टीचर विद अनुज सर। तो ये डिसीजन कभी भी आसान नहीं होता है, डिलेमा था और ये डिलेमा काफी यू नो मुझे कंफ्यूज कर रहा था, इट वॉज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। सो अल्टीमेटली आई हैड टू कम आउट ऑफ दैट डिलेमा, आई हैड टू कम आउट ऑफ दैट एंग्जाइटी, और मुझे वो डिफिकल्ट स्टेप उठाना पड़ा अल्टीमेटली। और दिसंबर 2021 में आई क्विट द जॉब एंड आई अगेन ज्वाइन बैक विद अनुज सर एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी और एज अ मेंटर। तो मैसेज मैं आपको यहां से यही देना चाहता हूं कि आपका पेरिफेरी बहुत अच्छा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, उसमें कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं आपको पता ही है, सैलरी अच्छी होती है, ठीक है, आपको लीव्स बहुत मिलती हैं, वर्क भी उतना ज्यादा नहीं होता है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, यू गेट अ लॉट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अलाउंसेस, पर्क्स, परक्विजिट्स, क्या नहीं मिलता आपको, ठीक है। बट अगेन कोर जो है, अगर कोर आपको टच नहीं कर रहा है, अगर आप कोर के साथ जो आपका काम है अगर उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, then it is the periphery is of no use. तो although teaching जो है, teaching मेरा core है, तो अगर मुझे other benefits नहीं भी मिलते, but that teaching, the passion for teaching drives me. So it is very important, you know, to follow your passion or to follow your core. देखो, अगर passion नहीं है अभी या passion identify नहीं कर पा रहे हो, then it's okay to do whatever are you doing. बट अगर आप अपना passion identify कर लेते हो, so it's better to pursue that, because otherwise आप बहुत time तक sustain नहीं कर पाओगे. It is not sustainable for a long time. So this is it. यही था जो मैं आज डिस्कस करना चाहता था आप लोगों से, बिकॉज ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में लोग जानने के लिए काफी क्यूरियस थे।
अब कोई आप लोगों का कोई कमेंट है, कोई सजेशन होगा, कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कमेंट है, तो नीचे आप लिख सकते हो. वी कैन हैव मोर यू नो कन्वर्सेशन ऑन दैट टॉपिक. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.